लोक आस्था का महापर्व यानी छठ पूजा आज से शुरू हो गया है। देश के कई हिस्सों में इस पर्व को बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस पूजा में सूर्य देवता की विशेष तौर पर पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 28 अक्टूबर जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस पर्व में छठी माता के साथ साथ सूर्य देवता की भी विशेष पूजा की जाती है। छठ पूजा में व्रती को 36 घंटे के कठिन व्रत का पालन करना पड़ता है। पूजा के तीसरे दिन व्रती डूबते हुए सूर्य को जल देती है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करती है। हिंदू धर्म में सूर्य को सभी ऊर्जाओं का स्रोत माना जाता है और इनकी पूजा करने से जीवन में ऐश्वर्य और खुशहाली आती है। यह व्रत पुरुषों और महिलाओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। दोस्तों, थोड़ा समझते हैं कि क्या है सूर्य पर्व का महत्व। हिंदू धर्म में सूर्य की पूजा करना लाभकारी माना गया है। रोजाना प्रातःकाल सूर्य को जल देने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं और जीवन में सारे दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं। छठ पर्व पर सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति को अधिक लाभ मिलता है। इस पर्व के दौरान नियमित तौर से सूर्य को जल देने से घर के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इससे समाज में आपका मान सम्मान और गौरव भी बढ़ता है। दोस्तों, जरा छठी मैया को पूजने का महत्व भी इस वीडियो में समझ लेते हैं। हिंदू ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी माता भगवान विष्णु की मानस पुत्री है। मान्यता है कि छठी माता सूर्य देवता की बहन है। उन्हें दुर्गा का रूप देवी कात्यायनी का अवतार माना जाता है। ब्रह्मांड के निर्माण के वक्त ब्रह्मा जी ने खुद को दो हिस्सों में बांट लिया था, जिसमें से एक हिस्सा पुरुष बना तो दूसरे हिस्से ने स्त्री का रूप धारण किया, जो बाद में प्रकृति माँ बन गई। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति माँ ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है, जिसमें अंतिम रूप छठी मैया का कहा गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।